अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब कैरियर से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्किन वाइटनिंग फेस पैक लेकर आई हूँ और जिसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। और इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं पहले वो आप देख लें। इसके लिए मैंने यूज़ किया है एलोवेरा जेल और मॉइस्चराइज़र, कोई सा भी ले लें, एक टोमेटो, और साथ में लिया है वीट फ्लोर मीन्स के गंदम का आटा। सबसे पहले हमें चाहिए है एक साफ कंटेनर, मीन्स के मैंने एक बाउल लिया है छोटा सा। उसके बाद हमें चाहिए है एक टमाटो। इस तरह से मैंने इतना साइज़ में एक टमाटो ले लिया है। अब इसको हाफ जो है वो कट करेंगे इस तरह से। और अब इसका जो है वो टमाटो का जूस निकालेंगे इस तरह। स्ट्रेनर की मदद से आपने इसका जूस जो है वो स्ट्रेन कर लेना है इस तरह निकाल के। मैंने पूरा टोमेटो का जूस जो है वो निकाल रही हूँ। इस तरह से आपने इसका जूस जो है वो निकाल लेना है। अब चम्मच की मदद से इसको अपने इस तरह से स्टेन कर लेना है। इस तरह से जूस निकल चुका है। और अब हमें जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून टमाटो का जूस चाहिए, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, एटलीस्ट हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे एलोवेरा जेल का। आप कोई सा भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, चाहे तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल ले लें, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला लिया है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे कोई सा भी मॉइस्चराइज़र, आप कोई सा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने यही यूज़ करना है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करता है। तो मैंने यहाँ पे फेयर एंड लवली का लिया है, आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं जो आपकी स्किन को सूटेबल हो। तो उसके मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर मॉइस्चराइज़र ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ताकि ये कंप्लीटली कंबाइन हो जाए। अब साथ ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून वीट फ्लावर मीन्स के गंदम का आटा। या आपने चक्की का आटा लेना है, गंदम का, तैले वाला नहीं लेना। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना ताकि क्रीमी फॉर्म में बन जाए। ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है, कितना अच्छा ये क्रीमी फॉर्म में बन गया है। अब इसको मैं आपको अपने हैंड पे लगा के दिखाती हूँ कि इसका कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। मज़ीद इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी पीस ना रहे। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में बने। अब इसको हैंड पर लगा के दिखाती हूँ। आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। इसको एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए लगा रहने दें। उसके बाद इसको आप कोल्ड वाटर से जो है वॉश कर लें। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। अब इसको हम छोड़ देंगे ताकि ये तब तक ड्राई ना हो जाए, तब तक इसको हम छोड़ देंगे। इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ।
इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई करें आप भी, और इसका मुझे फीडबैक आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। यहाँ मैंने जो 50 मिनट्स हो गए थे तो मैंने अपने हैंड वॉश किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला और हैंड इतने सॉफ्ट हो गए, इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगा और मुझे दुआओं में याद रखेंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।